हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड इस समय मैं हूँ चिंगरी हाटा में। एंड आप देख सकते हो ये ब्यूटीफुल व्यू, अच्छा खासा लेक है। एंड मैं बेसिकली आया हूँ, जो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो ये जो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये ऊपर जो है ये मेट्रो का जो रूट है, ये बेसिकली ये आ रहा है फ्रॉम बेलेघाटा साइड। और ये जो रूट है ये है एयरपोर्ट टू न्यू करिया, ऑरेंज लाइन है। और इधर गाइस आगे में एक इस ये जो दो पिलर्स देख रहे हो उसके सामने एक वाइट कलर की ये जो बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग दो पिलर्स के बीच में आ रही है। सो इसी का जब मैं पहली बार आया था यहाँ पर तो बहुत बड़ा एक डाउट हो गया था कि यार ये बिल्डिंग आ रही है दो पिलर्स के बीच में, सो क्या होगा इस बिल्डिंग का, क्या होगा क्योंकि बिल्डिंग आ गई है तो फिर यहाँ से वाइडक कैसे लॉन्च होगा, मेट्रो कैसे होगी जाएगी। फिर थोड़ा मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, सो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मालूम चला कि ये बिल्डिंग खाली हो चुकी है, इसमें जो लोग रहते थे उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, कंपनसेशन भी उन्हें दे दिया गया है। और ये बिल्डिंग अब RVNL के अंडर आ गई है। सो RVNL जो रेल विकास निगम लिमिटेड जो कंपनी है, जो बेसिकली कोलकाता मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम देख रही है, जिसके अंडर आता है, सो इन्होंने ये बिल्डिंग ले लिया है। और यहाँ पे अभी बैठते हैं जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, और ये बेसिकली इनका ऑफिस बन गया है RVNL का। सो मैं वही एक बार आया था देखने की शायद इन्होंने कुछ तोड़ा वोड़ा कि नहीं है, तो अभी तो बिल्डिंग एज इट इज़ है। एंड मेरी एक बंदे से बात भी हुई थी जो RVNL के नहीं है, दूसरे कंपनी के, तो उन्होंने बोला कि अभी ये बिल्डिंग ऐसी रहेगी। और जब यहाँ पर वायडक्ट का जो यहाँ तक आया है, आप देख सकते हो वायडक्ट यहाँ तक आ गया है, जब ये वायडक्ट का लॉन्चिंग जब स्टार्ट होगा इस साइड, तब ये फिर बिल्डिंग टूटेगी। बट अभी इसका टाइम है क्योंकि अभी यहाँ पर सारा ऑफिस बन गया है, आप देख सकते हो एसी वेसी सब लगा हुआ है यहाँ पर। मैं एक बार गया भी था अंदर, तो ऑफिस है, कैंटीन भी है, तो जो बेसिकली इस एरिया जो काम चल रहा है तो उसका जो ऑफिस है वो यहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कि पहले ये ऑफिस शिफ्ट होगा, उसके बाद फिर ये लोग करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। सो अभी तो बिल्डिंग ऐसी ही है, एंड मुझे लगता नहीं है, मतलब अभी तो नहीं होगी, 6 months एक साल बाद, जब मेरे ख्याल से तो ये बिल्डिंग सबसे आखिरी में ही ब्रेक होगी क्योंकि इसका ऑफिस है यहाँ पर। सो गाइस यही आया था मैं एक बार, आपको मैं इस साइड से भी दिखा देता हूँ कि जो बिल्डिंग है अब ऐसी ही है एकदम एज इट इज। ये है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सामने से तो छोटी लग रही है, मतलब ये आप देख सकते हो पीछे तो तक है पूरा ब्रॉड है। सो इस बिल्डिंग को तोड़ना भी इतना इजी नहीं है, इसके लिए भी इन्हें टाइम लगेगा अच्छा खासा, क्योंकि आप बिल्डिंग अगर डेमोलिश कर रहे हैं तो उसको भी मीन्स सेफली करना पड़ता है। सो गाइज यही था इस बिल्डिंग का यहाँ पे अपडेट। एंड क्योंकि मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ काफ़ी दिन से, मीन्स 2 months के बाद आ रहा हूँगा मैं, बीच में आया था मैं। और आप मेरे चैनल पे इस बिल्डिंग के दो वीडियोस हैं, वो मैं उसके लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं एक प्लेलिस्ट भी अब बनाऊंगा जिसमें डिफरेंट रूट्स के सारे रहेंगे वीडियोस, तो अगर आपको मीन्स काफ़ी ईजी हो मीन्स हो जाएगा वीडियोस मेरे करने में, सर्च करने में, क्योंकि वीडियोस काफ़ी हैं मेरे चैनल पे। सो गाइस यही था अभी तक का अपडेट, और बाकी जब वायडक लॉन्च कब होगा तो अभी यही है न्यूज़ कि इलेक्शन के बाद ही शायद परमिशन अगर मिलेगा तभी होगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है। हाँ यहाँ पे हो सकता है लॉन्च, यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, इधर आगे में भी हो सकता है, ये साइड में हो सकता है क्योंकि इधर तो नहीं चाहिए इनको, ब्लॉक मेन रोड है उस साइड, वहाँ पर इन्हें दिक्कत होगी। सो गाइस अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, एंड जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मेरे वीडियो का रीच बढ़े एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो पहुँचे, एंड आपको भी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। एंड जब आप सब्सक्राइब करते हो तो एक चीज़ याद रखना कि सब्सक्राइब जो बटन है उस पर एक डाउन एरो होता है, उस पर क्लिक करना, फिर एक बेल आइकन रहता बना उस पर क्लिक करना और ऑल पे करना क्लिक, उससे आपको उसी ये करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन आएंगे। एंड गाइस इस वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड करता हूँ, एंड आपसे मिल